हाँ ऐसे ऐसे फेरो फेरो, ओ तेरी खैर। अहमद भाई इन दोनों पे बर्फ डाल दो बस। तो जी अभी अपने घर में सारा कुछ ओके कर लिया है जी, घर को देख लिया, संभाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अबू घर थे माशाल्लाह, घर वैसे का वैसा ही आबाद है। यही चावल खा रहा हूँ चाची सम... किसने भेजे हैं? अमीना ने। अच्छा, तो उसका चैनल भी है, उसका सब्सक्राइब करना है तो मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है जी। हाँ जी। हो जाए, आप नाराज हो जाए हमसे। भाई अहमद गिफ्ट भी लेके आए हैं और पैसे भी दे रहे हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, यकीन करें ये गलत है। नहीं कोई नहीं, आप भाई हैं। छोटा सा गिफ्ट है यार ये, अहमद भाई यकीन करें कसम से इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये क्यों आपने इतना गलत किया? ये तो बहुत गलत है, छोटा सा गिफ्ट है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं जी आप सब बहन भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी जैसा कि आप सबको पता है, हम हैं समीना व्लॉग्स वालों के घर। तो अभी जो है ना, वो 4K पार्टी का तैयारी कर रहे हैं, केक वगैरह काट रहे हैं। सेलिब्रेशन? हाँ सेलिब्रेशन होती है या पार्टी होती है मुझे तो नहीं पता, तो ये औरतों का काम है, औरतों को पता होगा। हाँ जी। और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अहमद भाई और समीना भाभी जो है ना, वो केक काटने की तैयारियां जो है वो कर रही हैं। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम सेलिब्रेशन करेंगे। ये लेकर तो, ऐसे मैंने कहा ना डालना भाई के हो जाएंगे। क्या बर्फ? नहीं नहीं डाल दें। हम मुल्तान गए थे ना, वहाँ पे भी हमें उन्होंने बर्फ में जो है ना वो पूर दिया था। ऐसे ना? बिल्कुल ऐसे। हाँ वहाँ पे भी सेलिब्रेशन की थी उन्होंने, तो फिर उन्होंने ये बर्फ मंगवाई थी। गर्मी है ना, ठंडक हो जाएगी। अभी जी समीना भाभी और सबा मैडम केक काट रही हैं जी, बल्कि उसको ना निकाल रही हैं डब्बे से बाहर, और छुरी जो है ना वो भी काटे क्योंकि आपकी सेलिब्रेशन आप भी हमारे घर आई हैं बड़ी, आप भी काटेंगी। हाँ जी 4K सब्सक्राइबर की पार्टी है जी, तो आप सब ने जरूर देखनी है। चलो काटे पहले मैं आपको खिलाऊं क्योंकि आपका हाथ बनता है ना ऐसे ना। हाँ बिल्कुल, मुबारकबाद दो और खिला दो। बाकी हम हैं मासूम हैं, खड़े हैं जी, हम तो हैं मुलाजिम कैमरा मैन। हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये दोनों ना ऐसे एक दूसरे को खिला खिला के खत्म कर देंगी। आप भी एक दूसरे को खिला दे, आप क्यों हाथ गए हो? नहीं हम हैं कैमरा मैन, आप सारा केक खाए हम खड़े हैं जी। हमें भी कोई खिलाए ना। हाँ ये जो मैंने लेके आया था ये किसका उनके लिए है जी? केक काट, हमने केक काटा है, आप लोगों ने डाला ही नहीं है। ये हमें भूल ही गया, बस मैंने कहा ना चेता नहीं रहता। इनको खाने की खुशी थी, ये सारा कुछ भूल गई। अच्छा, केक भी हम काटे और ये चीजें डाले भी हम, कमाल है। साफ जाहिर है, नहीं खाने का पता था और ये बर्फ उड़ाने का पता नहीं था। क्योंकि आप लोगों का हक बनता था ना, क्योंकि हम केक काट रहे थे तो आप ही डालते। सही बात, हमें भी आपने ड्यूटी में लगाया होगा वीडियो बनाने। हम इधर से फारिग होते तो उधर बर्फ डालते आपको ऐसे। हाँ हाँ ऐसे ऐसे फेरो फेरो, ओ तेरी खैर माश, गुड हो गया। एक और होता ना फिर ज्यादा मजा आता। नहीं बस एक ही होता है। अच्छा? वो बर्फ वाला खत्म हो गया? वो भी है। अच्छा इसमें है यार और भी, बस वो फटाके से नीचे चले गए होंगे। ओ सारी बर्फ डाल दी जी, वाह जी वाह। बर्फ चलाने में ना मजा आता है बंदे को, बहुत मजा आता है। हाँ ये देख, दो कल भी खत्म किए हैं इस तरह। सही है, बस करो ये भाई हमें। बस इतना सा, बाकी खुद खा गई, अब ये भी खा ले। नहीं नहीं मैंने अपनी तरफ से ज्यादा दिया है सबको। असल में पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये खाता नहीं हूँ। आप जो है ना अपनी भाभी को दे दे, मेरा हिस्सा वो खा लेगी। नहीं मेरे पास है बस। आपको पता है मैं केक बिल्कुल नहीं खाता, मीठा होता है। आपको पता ज्यादा मैं भी नहीं खा सकती। चलें फिर भी मैं ना मोहब्बत को ठुकराऊंगा नहीं, थोड़ा सा खा लूंगा।
थोड़ा सा खा लूंगा इंशाल्लाह। अभी जो है ना ये सारे खा रहे हैं जी टेस्टी टेस्टी केक 4K पार्टी का। बेबो क्या खा रहे हो? केक। जोर का बोलो, क्या खा रहे हो? केक। केक एक बार बोला फिर नहीं बोला। मजीद चार पहिया ना निकालो, हमें इजाजत दे दो। अभी हम जाते हैं जी। पतीसे वाला भी आ रहा है। इस गली में आता है पतीसे वाला? इस गली में नहीं आता होगा, उसको पता है अहमद भाई और भाभी का, वो सारा पतीसा ले लेंगे। हाँ खा लिया केक जी। जल्दी करो अभी घर चलना है। हम तो जल्दी में बैठे हैं। जल्दी में बैठे हो? फिर चलें? चलो। हाँ सफर भी सारा पानी है ना नल के, ये सारा हम पी जाएंगे। हाँ पानी लगता है इनका, बारीक पानी है, पतला पानी। हौला। हाँ मतलब हमारे इलाके का एक गिलास, इनके इलाके का दो गिलास। अच्छा पानी है बाकी? हाँ अच्छा पानी है। हम तो जहाँ पे एक गिलास पीते हैं यहाँ पे दो गिलास पी लेते हैं। हम तो फिल्टर का भर के आते हैं। अच्छा यहाँ नलके का नहीं पीते? हमें ठीक नहीं लगता पानी। हम तो यहाँ, आपने यहाँ से पिया ना, सही लग रहा है? हाँ। सही है, हमें तो सही लग रहा है। ये जो आपने कूलर से भर के पिया ना, ये फिल्टर वाला पानी है। अच्छा खत्म हो गया था ना, हमें फिल्टर वाले का पता चला ना इस नलके का, हमें तो एक ही लगा के एक ही तरीके का पानी है। फिल्टर वाला था, मैंने इसमें ये मिक्स कर दिया था, आज लेट हो गया ना भरने में, तो सही है। हाँ फिर इसी वजह से, हाँ अब हकीकत सामने आई है कि पानी में फर्क नहीं लगा हमें। भाई सही पहचाना है। हाँ नहीं तो फर्क जरूर महसूस होता। हाँ जी तैयारी करें फिर चलें। चलें ओके। अभी जी हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। तो यहाँ पे रखा था मेरा चश्मा, ये आ गया जी। और आपकी कोई चीज आपने कुछ रखी यहाँ पे? ये वाला जो है ना, हाँ ये वाला आप भाभी को गिफ्ट करो, और ये मैं अपने भाई को गिफ्ट करूँगा, और ये मिठाई का डब्बा भी दे दो। भाई को दे दो। नहीं आप दे दो भाभी को। हाँ मैं ना अभी ऐनक लगा लूँ। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी हम हो रहे हैं यहाँ से रवाना, और ये भाई के लिए, ये मेरा आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, ये बिल्कुल छोटा सा गिफ्ट है यार। ये अहमद भाई यकीन करें, कसम से इसकी जरूरत ही नहीं थी। कोई मसला नहीं, आप भाई हैं, आप आए, ये थोड़ा है, आप ये बताएं मुझे। नहीं नहीं बिल्कुल आप रखें, हम आ गए हैं, फिर भी इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा यार मेरी बात सुने आप, ये बात ये कसम से आपने गलत किया है। नहीं नहीं गलत नहीं है, यकीन करें। अच्छा अगली बार कुछ नहीं लेके आप हमारे भाई हैं, यकीन करें। ये कसम से जब हैं भाई तो फिर तो कोई फर्क वाली बात ही नहीं। ये अहमद भाई ना हमारे पास आए हैं, यकीन करें हमें। ये क्यों आपने इतना तकल्लुफ किया, इतना तकल्लुफ? ये तो बहुत गलत है, छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट है बिल्कुल। खाली हाथ आता बंदा अच्छा नहीं लगता। और बेबो की ना छोटा, बेबो को उठा लो, बेबो की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए हमें जल्दी, वरना और भी घंटा खान रुक जाते। हो जाए आप नाराज हो जाए हमसे। भाई गिफ्ट भी लेके आए हैं और पैसे भी दे रहे हैं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, यकीन करें ये नहीं, कोई नहीं, आप भाई हैं। फिर हम कभी आएंगे बगैर बताए, आप देख लीजिएगा। कोई बात नहीं आप आएंगे भाई, आप बताएं बगैर आएंगे, हमारे घर का एड्रेस का पता होगा तो आप आए तो ये एड्रेस अभी पता करना कौन सा मुश्किल है। ये कहते हैं मैं मैप खोल लूंगा और ऊपर लिख, ऊपर पता क्या करना, सर्च में लिख देना सब अहमद व्लॉग का घर, वो आपको लोकेशन ले आएगी वहाँ पे। वो है ना जो क्या कहते हैं नंबरदार, उससे रब्ता है हमारा। नंबरदार बता देगा फिर, ये खतरा है, ये खतरा हो गया फिर। तो अभी जी चलते हैं, हमारी गाड़ी जो है ना वो खड़ी है, तो चलें जी अब। ठीक है भाई इजाजत। ये क्या लेके खड़े हैं? पतीला। ठीक है भाभी अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं जी। अभी जी हम सारे जा रहे हैं लाइन में अपनी गाड़ी की तरफ। अभी जी सब बैठ गए हैं, बेबो रो रहा है। चलो बेबो आप चलते हैं। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई, बहुत शुक्रिया आपने आपका, इतनी ज्यादा मोहब्बत दी, इज्जत दी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना दूर से चल के आए हमारे। कोई मसला नहीं, आप रास्ता यहीं पे ये जाना है ना, इस तरफ से जाएंगे आगे जो रोड खत्म होगी उसके बाद इस तरफ ना पक्की रोड जा रही है। ठीक है तो वहाँ से आप मेन रोड पे चढ़ जाएंगे। ओके जी ओके अल्लाह हाफिज। भाई जो है ना वो खड़े हैं, अल्लाह हाफिज।
तो जी प्यारे बहन भाइयों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला नाल भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से, और ये सदका जारिया है हाजी मोहम्मद सजावल मरहूम, तालिब दुआ अबू बकर सदीक, काविश सब अहमद ब्लॉग्स। तो ये जी कंप्लीट हो चुका है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। देखें जी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आगे जो है नमाज जनाजा जा रहा है, इसलिए हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो सबा देख लिया, जिंदगी का ना यही जिंदगी है बस, बिल्कुल जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना, कि खा पी के चले जाना है, किसी को कुछ नहीं लेके जाना, और ना ही जिंदगी का पता है। शाम को बंदा सलामत सोता है, सुबह को उठता भी नहीं। हाँ, कब्रिस्तान अभी पहुँच गए हैं प्यारे बहन भाइयों, अभी हम घर के करीब पहुँचने वाले हैं। ओ वीडियो की आवाज उनके उठाई, ये बोले कि मैं जाग रही थी, लेकिन ये देखें दोनों सोए पड़े हैं। तो अभी आवाज सुनी ना, फिर इसने दुपट्टा सीधा किया, और इधर जो है ना, इधर कौन कौन सोया है? एक बंदा सोया है ना, दो जाग रहे हो, सही है। अच्छा, घोटा किस किस ने पीना है? घोटा किसी ने पीना है? मैंने पीना। आपने तो पीना है, मुझे पता है, बाकी उनसे पूछ रहा हूँ। सारे पियेंगे जी मेरे अलावा इंशाल्लाह। तो जी अभी घोटे का ऑर्डर दिया है अल फरीद खालिस घोटा बिदाम, तो अभी जो है ना घोटा पियेंगे। अब घोटा पीने के लिए सबा भी उठ गई है जी, जिसको बहुत ज्यादा नींद थी। अब एक गिलास सबा के लिए, और तीन जो है ना ये पीछे बैठे इनके लिए, चार गिलास का ऑर्डर। वो आपको तो नींद थी, आपको नींद नहीं थी बेटा, फिर जाग कैसे गए? घोटा पीना है। अच्छा, घोटा पीना है, मैं जाएगा। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये देखे जी माशाल्लाह, ये ना नाते वगैरह चलती रहती हैं। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सारे घोटा पी रहे हैं, सबा भी घोटा पी रही है, बहुत ठंडा है माशाल्लाह। हाँ, और ये भी तीनों घोटा पी रहे हैं। हाँ जी, वीआईपी है ये सब। बहन भाई पूछेंगे कि ये क्या होता है घोटा, ये वो चीज है बिदाम, पता नहीं ये क्या, बिदाम खसखास, और इसके अलावा जो ना काफी मतलब दूध वगैरह, तो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये गर्मी की सुगात है, ये गर्मी का दुश्मन है। हाँ, गर्मी को हटाता है, गर्मी को खत्म कर देता है, पसीना उसी टाइम खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं पिया, ज्यादा ठंडा ना हो जाए। हाँ, आप पी नहीं, कहीं मैदे में इसके ना थोड़ी ठंडक ज्यादा हो जाए, इसीलिए इसने नहीं पी, क्योंकि गर्माइश रखता है ना ये मैदे। हाँ सही बात है, चले ठंडी चीजें खाया करो, आपकी ये छाया खत्म हो जाएगी। सही है, सही है, हिला हिला के पियो बेटा, वो खाली कर दे माशाल्लाह, चलो सही है। अच्छा अब ना अपना क्या करते हैं, वो अब घर जो है ना हमारा बिल्कुल करीब है, क्योंकि अभी हम खड़े हैं फिरोजा सिटी, बस फिरोजा से आगे अपना घर है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, ये वाला नाल भी जो है लग चुका है, इसका मजीद काम जारी है, और ये जो जिसने लगवाया है इसाले सवाब के लिए, हाजी मोहम्मद शफी मरहूम, तालिब दुआ रिहाना शफी फ्राम इटली, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं जी घर, माशाल्लाह मुबारक हैं जी, आपको भी मुबारक है, अपने घर में पहुंच गए जी, हमारी कलहोटी वो खड़ी है, उतरें जी उतरें, माशाल्लाह जी। बिरयानी जो है ना ये अहमद भाई और समीना भाभी ने दे छोड़ी है, यही डब्बा लिया हुआ था ना? हाँ, नहीं रास्ते में मैंने चेंज, हमने कहा शापर में डाल दो, फिर आपका बर्तन जो है ना हम वापस नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, हमने कहा ये तो बात ठीक है, इंशाल्लाह जब फिर मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला डोंगा जो है ना डब्बा उनका याद करना, फिर वापस करना है, ठीक है जी। ओके हो गया, बेबो को सला दिया है जी। ओ वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जनाब नंबरदार साहब, खैर है, क्या काम कर रहे हो? गैस तुम्हारा खत्म हो गया, मैं भराने जा रहा हूँ। हमारा गैस का कुछ करो यार, ये खत्म क्यों हो जाता है? पता नहीं क्या बात है यार, ऐसा करते हैं इसको ना चलाना बंद कर देते हैं, खाना कैसे बनेगा? हाँ ये फिर तो ये टेंशन बन गई। हाँ जी, चलो भरवाओ यार, मेहरबानी आपकी। हाँ जी, हाँ जी। बगैर पैसों के आज भरवाओ, बगैर नहीं देता। पैसे लेता है। तो जी अभी अपने घर में सारा कुछ ओके कर लिया है जी, घर को देख लिया, संभाल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू घर थे, माशाल्लाह घर वैसे का वैसा ही आबाद है,
तो अभी हम चलते हैं असगर भाई के घर, वहाँ पे काम हो रहा था, देखते हैं कि वहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो उम्मीद है कल फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। चलें फिर आ जाएं। ओ आप कैसे चले, दरवाजा तो लग गया माशाल्लाह। माशाल्लाह दरवाजा भी लग गया। हाँ जी। वाकई जी काम तो कंप्लीट हो गया जी माशाल्लाह, दरवाजा शरवाजा लग गया। बिस्मिल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों अभी हम पहुंच गए हैं उनके घर और असगर भाई नंबरदार काम काज में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है नंबरदार, आपको तो मैं मिला था। वालेकुम सलाम, क्या हाल? ठीक है बेटा, ठीक है तबीयत से? ठीक है। और बेटा क्या हाल है? ठीक है तबीयत से? ठीक है। और बेटा क्या हाल है? ठीक है तबीयत से? ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान, माशाल्लाह भाई मुबारक हो, माशाल्लाह प्यारे प्यारे मेहमान भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अज़ात पाक का एहसान मालिक करीम का तरफ है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है। और सबा इनका ना नलका जाके चेक करो, बहुत प्यारा मुबारक। आओ आओ नलका देखो, नलका देखे माशाल्लाह। ये मैंने ना वो खाड़ा देखा ना इनका, हाय हाय हाय, ये देखें कितनी बड़ा जो है ना खुला बनाया है कि इसमें बड़े बड़े ढांढे भी ढांते रहे। हाँ यानी कि बंदे तो बंदे हैं ना, नहीं मतलब इसमें सो के भी नहाया जाए इसमें ऐसे। इस इतना इतना बड़ा बनाया है ना, यहाँ पे बंदा सो के भी नहा सकता है, उठ के भी नहा सकता है, बकरियों को नहला सकता है, यहाँ पे लेट जाएगा। अच्छा मैं इधर से जो नलके वो घेड़ों का नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। नंबरदार यहाँ पे लेट जाएगा और आपने नलका चला के साथ इसको साबुन लगाना है। ठीक है नंबरदार। हाँ जी। आपने अच्छे तरीके से नहाना है, साबुन मरवाना है। हाँ जी। और चिकटा हो जाना है। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। और ये बाथरूम वाशरूम वगैरह भी क्लियर है सारा कुछ? क्लियर हो गया। ये भी सीमेंट प्लास्टर हो गए? हाँ जी। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये अच्छा फुहारे वगैरह टूटियां तो नहीं लगवाई अभी? वो लगवाएंगे, ये कंप्लीट हो गया है तो अगला प्रोसेस होगा, दरवाजा भी लगवाना है और माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अभी मिस्त्रियों ने क्या कहा हमारे बारे में? उन्होंने कहा कि अहमद भाई से जो है आप कॉल करें, आपका काम कंप्लीट हो गया है, उनसे बात करें कि कल आपका काम शुरू कर दें। तो मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने कहा कि कर दें, तो अभी जाते हुए उन्होंने कहा कि हम सुबह आ रहे हैं। ओ मिस्त्री हमारे घर सुबह, हमारा काम स्टार्ट है जी, तैयार हो जाओ। हाँ जी फिर तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ सही हो गया। और मिस्त्री आ रहे हैं आपके पास, वो कह के गए हैं सुबह आ रहे हैं। कोई बात नहीं ठीक है, हम भी यही कहते हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाएगा, अपना काम शाम जो है स्टार्टिंग वो कर देंगे, फिर जुमा है, जुमा के बाद काम। सही है चलो चलो ठीक है चलो सबाब। तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हुई, काम वगैरह इनके सारे कम्प्लीट है, दीवारें भी हो गई है, पर्दे का इंतजाम मुकम्मल है, बहुत ज्यादा हम हैप्पी है जी। और रेलगाड़ी भी आ चुकी है, कराची लाहौर वाले जा रहे हैं हमारे बहन भाई रेलगाड़ी में बैठ के। ढक्कन भी नहीं दिया रखा अभी तक, बस अब ढक्कन रखना है, ढक्कन को उठाने के लिए अभी जो काफी मतलब के आ चुके हैं बच्चे बच्चे। ढक्कन इतनी बड़ा बनाया अपने तो इसे क्रेन उठाएगी, तो इसको जो है उठाएंगे और इसको चला के ले जाएंगे उधर। ढक्कन थोड़ा भारी था, फिर ऊपर से ये रेत मिट्टी लगा रहे थे, फिर उसको साफ करेंगे, साफ करके उसको जैसे टायर नहीं चलाते टायर ऐसे चला के व्हील चला के ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। चलो सबा अच्छा आ जाओ। तो जी माशाल्लाह अब जो है ना हम जा रहे हैं वापसी, क्योंकि हमने असगर भाई और नंबरदार को मिल लिया, माशाल्लाह गेट भी इन्होंने लगवा लिया, बड़ी हैप्पी है। चलें जी चलें, अब सुबह ना मिस्त्री आ रहे हैं हमारे घर का काम, ये ईंटें वगैरह सारी हमारी पड़ी हैं, हमारी ईंटें आई हुई हैं और बच्चे जो सारी खराब कर रहे हैं तोड़ देते हैं। ये देखें ईंटें भी मुकम्मल और मट्टी वगैरह भी मुकम्मल है। हाँ, कितने दिन से आई हुई, उनसे पहले हमारा सामान आया था ना। बाकी रेत आएगी, रेत उठवा लेंगे क्योंकि भाई के घर रेत पड़ी है ना। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। तो जी सब्बा जो है ना उधर लस्सी ले आई थी उधर से अपने अम्मी अबू के घर से, तो ये ना दूध की लस्सी बनती है जिसका देसी मक्खन देसी घी भी तैयार होता है। तो ये जब लस्सी बनाते हैं ना तो उस दौरान ना देसी मक्खन देसी घी निकल आता है। सुबह मैंने खाया था। हाँ। देसी मक्खन खाया था? हाँ। मुझे नहीं बताया था, नानू के घर से लेके आई थी। अच्छा। वो मेरी खाला है ना छोटी। अच्छा। जो मुझसे ज्यादा प्यार करती है उसी ने दिया था मुझे। और लस्सी भी हमसे तो कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमें ना मक्खन नसीब होता है ना लस्सी। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह की मर्जी। मैं यहाँ से दही मंगवा के। अच्छा आप मक्खन खाते हो? नहीं खाता तो?
इसलिए, नहीं तो मैं ये सारा खा ना जाता सुबह आपसे आपसे लेके आना, लस्सी पीता हूँ ना मक्खन खाता हूँ इसलिए। हाँ चलें, सही हो गया जी। प्यारे बहन भाइयों, अभी रात हो चुकी है तो अभी बिस्तर वगैरह लगा रहे हैं। इधर जो है ना दूध गर्म हो रहा है, ये देखें। और बेबो ने उठाए हुए हैं जी शेर, दिखाना शेर, कौन सा शेर है दिखाना। वो ये तो बड़े बड़े शेर हैं बेबो, ये किसने दिए? अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। और यहाँ पे जी बाहर भी बिस्तर वगैरह लगा रही है सारे। मच्छरदानियाँ नहीं है, मच्छरदानियाँ हम असलम भाई को देकर आए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर थे, तो हमने असलम भाई को दोनों दे दिए कि आप लगा लेना उधर, फिर जब वापस आएंगे फिर हमें वापस करेंगे। आपका मोबाइल बाज रहा है, आप आपका अबू, उसने अभी तो फ़ोन किया है, शायद कोई काम हो। मुझे और कोई काल नहीं। कंपनी वालों की कॉल है जी। मुबारक हो, वो कह रहे हैं आपका 2 लाख निकल आया। 2 लाख सही है, मुबारक बाद ऐसे ही देते रहते हैं, सारा दिन फोन करते रहते हैं बस। अभी रात के टाइम बेबो देखे खेल रहा है, अभी इसकी तबीयत खराब थी और जब हमने इसको ये 2 शेर दिए फिर ये उठ के खेलने लग गया। ये क्या है बेबो, ये क्या है? अक्षेर। और ये है अख कार्टून। हाँ ठीक है, ये आपस में लड़ते हैं बेबो, लड़वाओ, मारो एक दूसरे को, मारो। वो देखें ऊपर चढ़ा दिया बेबो, ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा जी, हाँ वो गिर गया, चलो सही है। ये देखें जी बेबो का, मैं आपको बड़े वाला शेर दिखाता हूँ जी, ये देखें। ये ले, चक पाता है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्तर वगैरह लग चुके हैं सारे, आपके सामने हैं जी, बिल्कुल ओके है, कंप्लीट है। हाँ बस अब सोने की तैयारी, आज वैसे भी थके पड़े हैं क्योंकि सफ़र किया है आज बहुत ज़्यादा, तो अभी ये बिस्तर जैसे कंप्लीट करती है फिर सो जाते हैं बिल्कुल। क्या पैसे देवा, अभी रात को क्या करोगे पैसे? तो जी बेबो की तबीयत सही नहीं है, फिर भी ये पैसे अभी लिए हैं मुझसे, और देखें पापड़ लेके आ रहा है। ये अच्छा लगता है और चौरा होता अपनी है। शक्ल देखो पहले, पहले अपनी शक्ल तो देखो। अभी अभी आपको क्या कह रहा था? मेरे जिससे में ना सांस नहीं है, टांगे जो है उसमें सांस नहीं है, ये बोल रहा था बेबो। अभी फिर दो दफा ये ना मोशन बैठा है, फिर ये ऐसे भी होश होके सो गया बस। फिर कहता है मेरी टांगों में, मेरी टांगों में सांस भी नहीं है, अभी पापड़ लेके आ गया। बेबो ठीक हो गए हो अब? नहीं ठीक नहीं है, लेकिन मिसाला ले आया। नहीं पागल हो गया, वो देखो ओ ओ ओ, आंखें देखो, आंखें छुप गया। चलो शुक्र है। बेबो बिस्किट ले लो, बिस्किट खा लो, ये अच्छा नहीं होता, इसमें सारी मिर्चें हैं। ये पापड़ी खाएगा बस। आपकी तरह आप भी मीठा नहीं खाते ना? तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना रात हो चुकी है और रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम थके टूटे हैं, नींद आ रही है। बेबो भी सो गया इधर मच्छरदानी में, हम तो मच्छरदानी असलम भाई को दे आए थे, अभी हम ऐसे ही सो रहे हैं जी। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, लाइट भी चली जाती है, कभी आ जाती है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। सुरमा मैं ज़्यादा पाया ते आज अखा कालियां कालियां लग दियां जी, और पाना होर नहीं पाना, हुण 3-4 दिन नहीं पाना, जदों ये नहीं इकट्ठे दा पाया सी मेरे अखे जड़े ने खत्म थी वैसी वाल नवा सुरमा पैसू इंशाल्लाह। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।